सिकंदराबाद में देवी महाकाली बोनालो उत्सव चल रहा है। बोनालो समारोह के दौरान एक क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें देवी महाकाली तेलंगाना के लोगों का भविष्य बताती है। राज्य के पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने क्षेत्र कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने माता रानी को दान भी दिया। बोनालो समारोह में एक प्रमुख कार्यक्रम रंगम होता है। इस अवसर पर जोगिनी स्वर्णलता भविष्यवाणी कहती है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों की दुआएं उन्हें खुशी खुशी मिली है। हालांकि आप पिछले साल किया गया वादा भूल गए हैं। स्वर्णलता कहती है कि उन्होंने जरूरी शक्तियां दे दी है, वह आपके साथ रहेंगी। उन्होंने कहा कि डरो मत, बारिश जरूर आएगी भले ही देर हो जाए। स्वर्णलता ने कहा कि आग के खतरों के प्रति सचेत रहे। रंगम भविष्यवाणी सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनालू के अवसर पर लाखों भक्त उज्जैन के महाकाली मंदिर में पहुंचे और रात भर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि सीएम, मंत्री और विभिन्न दलों के नेता मंदिर का दौरा कर चुके हैं। यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माता रानी का भविष्यवाणी बोनालू कार्यक्रम अच्छा रहा। उज्जैन महाकाली देवी की शोभा यात्रा भी भव्य रूप से निकाली गई। मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के पठानचेरू में फ्रीडम पार्क, डीसीसीबी बैंक और आरएनबी गेस्ट हाउस की नवनिर्मित इमारतों का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक महिपाल रेड्डी और वित्त आयोग के अध्यक्ष भूपाल रेड्डी ने भाग लिया। मंत्री हरीश राव ने कहा कि विधायक महिपाल रेड्डी के नेतृत्व में पठानचेरू निर्वाचन क्षेत्र को बदल दिया गया है। 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रारंभ करना सुखद है। फ्रीडम पार्क, आरएनबी गेस्ट हाउस, डीसीसीबी बैंक और वार्ड कार्यालय जैसे विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करना खुशी की बात है। मंत्री हरीश राव ने कहा, बीजेपी ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस और भाजपा शासित राज्यों में रेतु बंधु, रेतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, केसीआर किट जैसी योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अगर अस्वीकृत नेता और रिजेक्टेड नेता शामिल होते हैं तो खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी भी चाले चले, बीआरएस ही हैट्रिक लगाएगी। इटेला राजेंद्र को भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष चुने जाने के बाद से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रशंसक बीजेपी के नेता और जनसंघ नेता इटेला से मिलकर बधाइयां दे रहे हैं। हाल ही में नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट के प्रतिनिधि शामिरपेट स्थित इटेला के आवास पर गए और बधाई दी। नेशनल इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने शामिरपेट में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चुने गए इटेला राजेंद्र से मुलाकात की। एलबी चन्ना राव के निर्देशन में इटेला राजेंद्र को नादा स्वरा का आशीर्वाद दिया। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि राज्यपालों को भी राजनीति पर बोलने का उतना ही अधिकार है जितना राजनीतिक दलों के नेताओं को है। उन्होंने कहा कि राज्यपालों को भी उतना ही स्वतंत्रता है जितनी अन्य लोगों को राजनीतिक चर्चा में भाग लेने की है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की इस टिप्पणी के मद्देनजर कि राज्यपालों को राजनीति पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, तमिलिसाई, जो पुदुचेरी के उपराज्यपाल भी है, ने अपना रुख स्पष्ट किया। दरअसल अन्नामलाई ने तमिलनाडु के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम और राज्य के राज्यपाल आरएन रवि को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की। तभी एक रिपोर्टर ने तमिलिसाई का नाम लेते हुए पूछा कि क्या वह अक्सर मीडिया से राजनीति के बारे में बात करती है। अन्नामलाई ने जवाब देते हुए कहा कि राज्यपालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और राजनीति के बारे में बात करने से बचना चाहिए। इस संदर्भ में तमिलिसाई ने कोयम्बतूर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात की। तमिलिसाई ने साफ कर दिया कि उन्हें एक दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता और जरूरत पड़ने पर भी वह अपने विचार व्यक्त करने से नहीं हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपालों की राय से कोई असहमत हो सकता है, लेकिन उनके खिलाफ विरोध जताना ठीक नहीं है। आरएन रवि ने अप्रत्यक्ष रूप से डीएमके सरकार को सुझाव दिया है कि वह जहां भी जाते हैं पोस्टर लगाना और काले झंडे दिखाना अच्छी राजनीति नहीं मानी जाती। तेलंगाना के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। खम्मम सभा में पोंगुलेटी को बड़े पैमाने पर शामिल किए जाने से कांग्रेसी गुस्से में है। इससे कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि कोल्हापुर बैठक सफलतापूर्वक होगी और उत्साह बढ़ेगा। जुपल्ली कृष्णाराव और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने इसके लिए एक विशाल सार्वजनिक बैठक आयोजित करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए चर्चा की। बाद में पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क से उनके आवास पर मुलाकात की।
हाल ही में खम्मम में राहुल गांधी का सभा उम्मीद से ज्यादा सफल होने के बाद तेलंगाना कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। अब कांग्रेस नेताओं का ध्यान कोल्हापुर सभा पर केंद्रित है। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने इस बैठक को सम्मान पूर्वक लिया। इस विधानसभा में भी बड़ी संख्या में लोगों के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के मद्देनजर यह विधानसभा प्राथमिकता बन गई है। कोल्हापुर सभा के आयोजन पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेताओं ने मोइनाबाद के एक रिसोर्ट में मुलाकात की। बैठक का नेतृत्व वरिष्ठ नेता मल्लू रवि ने किया। इस बैठक में जुपल्ली कृष्णा राव, MLC दामोदर रेड्डी, वामसी चंद रेड्डी, गुरुनाथ रेड्डी, वामसी कृष्ण और अन्य ने भाग लिया। 20 जुलाई के बाद कांग्रेस कोल्हापुर में बैठक करेगी। खबर है कि आज की बैठक में इस बैठक को बड़े पैमाने पर आयोजित करने पर चर्चा हुई। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा कोल्हापुर विधानसभा आएंगी। इस पृष्ठभूमि में तेलंगाना कांग्रेस के नेता कोल्हापुर विधानसभा को शानदार सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पोलावरम हमने बनाया है, अमरावती हमने बनाया है, ये टिप्पणियां किसी और के बारे में नहीं है, TPCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने ताना सभा में कहा है। रेवंत लोगों के लिए कुछ भी करने का मौका देना चाहते हैं। उन्होंने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सीतक्का को CM बना देंगे। रेवंत रेड्डी ने साफ किया कि कांग्रेस में चुनाव से पहले CM उम्मीदवार घोषित करने की परंपरा नहीं है। ताना सभा में भाग लेने वाले तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने दिलचस्प टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और पोलावरम परियोजना कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की नीति दोनों राज्यों को पूरा करने की है। इस मौके पर NRI ने रेवंत रेड्डी से दिलचस्प सवाल पूछे, क्या दलितों और आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? सवाल का जवाब देते हुए रेवंत ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले CM उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती है, जरूरत पड़ी तो पार्टी सीतक्का को भी मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि वह लोगों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और लोगों से अगले चुनाव में उन्हें मौका देने को कहा। वे अगले चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से अलग नहीं किया जाना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस ही रेवंत रेड्डी है और रेवंत रेड्डी ही कांग्रेस है। हाल ही में तेलंगाना BJP कुछ झटकों से गुजर रही है। बंडी संजय का अध्यक्ष पद खोना, इटेला मामला, कोमटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी की भविष्य की गतिविधियां शामिल है। इसी सिलसिले में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैदराबाद आए और राज्य के नेताओं के साथ बैठक की। उनमें से कुछ नेताओं अलग अलग से मिले। कुल मिलाकर नड्डा ने उन्हें साफ कर दिया कि पार्टी में अनुशासन सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि बाकी सभी मामलों को किनारे रख देना चाहिए और हर किसी का लक्ष्य अगले चुनाव में BJP को जीतना होना चाहिए। नड्डा ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि राज्य में भाजपा के आंतरिक मामलों पर पहले जैसी बहस नहीं हुई है और राष्ट्रीय नेतृत्व इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सलाह दी कि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता अब नियमित रूप से तेलंगाना के दौरा करेंगे और राज्य के नेताओं को भी अनुशासित रहना चाहिए। JP नड्डा ने साफ कर दिया है कि वे एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने वाले दूर रहे और अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो कार्रवाई सख्त होगी। योग्य गरीब रियल एस्टेट कारोबारियों को तत्काल डबल बेडरूम घर आवंटित करने की मांग की गई है। तेलंगाना रियल्टर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में हयात नगर MMRO कार्यालय के सामने एक विरोध धरना आयोजित किया गया और राजस्व अधिकारियों को एक याचिका सौंपी गई। तेलंगाना रियल्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बोंगो वेंकटेश गौड़ ने मांग की है कि सरकार को उन गरीब रियल्टर्स को तुरंत डबल बेड का घर आवंटित करना चाहिए जिन्होंने रियल एस्टेट व्यवसाय को अपने पेशे के रूप में चुना है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन रियल एस्टेट व्यापारियों का समर्थन करे जिनकी कोई पहचान नहीं है। प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर हमले और हत्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियल्टर्स एसोसिएशन रियल एस्टेट व्यापारियों के साथ खड़ा है। जल्द ही LV नगर में बड़े पैमाने पर आम सभा का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से पूरे तेलंगाना में बारिश हुई है। हैदराबाद के साथ साथ कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने घोषणा की है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने स्पष्ट किया है कि इस महीने की 13 तारीख तक राज्य में बड़े पैमाने पर बारिश होगी। 12 और 13 जुलाई को कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के पश्चिमी हिस्सों से राज्य में कम ऊंचाई वाली हवाएं आ रही है। इनके प्रभाव से प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की बात सामने आई है। सुरक्षा कारणों से विजयवाड़ा मंडल के कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। आज से
16 तारीख तक कुछ ट्रेनें पूरी तरह से रद्द है। कुछ और ट्रेनों में देरी हुई और उन्हें भीमावरम शहर से होकर भेजा गया। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से सहयोग करने को कहा है। विजयवाड़ा मंडल में सुरक्षा कार्य, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में सुरक्षा आधुनिकीकरण कार्यों के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और अन्य का मार्ग बदल दिया गया है। वाल्थर सीनियर डीसीएम एके त्रिपाठी ने बताया कि गुंटूर से विशाखापट्टनम आज से 16 तारीख तक, विशाखापट्टनम से गुंटूर सिमाद्री एक्सप्रेस 11 से 17 तारीख तक, काकीनाडा से विशाखापट्टनम से काकीनाडा, राजमहेंद्रवरम से विशाखा से राजमहेंद्रवरम 10 से 16 तारीख तक रद्द कर दी गई है। इनके अलावा कुछ अन्य ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। 11, 14 और 15 को धनबाद अल्लापुल्ला बोकारो एक्सप्रेस, 11 को हटिया एसएमबी बेंगलुरु ट्रेन, 14 को टाटानगर एसएमवी बेंगलुरु और 15 को हटिया एसएमवी बेंगलुरु ट्रेन को निदड़वोलू भीमावरम टाउन, गुड़ीवाड़ा और विजयवाड़ा के रास्ते डाइवर्ट किया गया। त्रिपाठी ने यात्रियों से इस बात को पहचानने और सहयोग करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के तहत भूतल निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रथम तल का काम शुरू हो गया है। पहली मंजिल का काम दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पहली मंजिल के लिए पिलर खड़े करने का काम शुरू हो गया है। मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मूर्ति स्थापना कार्यक्रम 14 से 24 फरवरी 2024 तक होंगे। जनवरी 2024 से भक्तों को रामलला के दर्शन का मौका मिलेगा। हाल ही में मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर निर्माण को लेकर कई जानकारियां उजागर की। सुरक्षा कारणों से आज तक मीडिया को मंदिर निर्माण के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर के निर्माण में गर्भगृह पहले ही तैयार हो गया है। इसके 167 खंभों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। साथ ही प्रथम तल के मंडपम में दरवाजे और पिलर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने निर्माण कार्य की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के मुताबिक पहली मंजिल का निर्माण कार्य दिसंबर 2014 तक पूरा करने की योजना तैयार की गई थी। राम मंदिर के भूतल पर मौजूद 167 खंभों पर फिलहाल देव मूर्तियां उकेरी जा रही है। परिक्रमा पथ पर लगे ये स्तंभ भव्य स्वरूप प्रदान करते हैं। इसके लिए शिल्पकार लगातार काम कर रहे हैं। खंभों को डिजाइन करने में 10 कारीगर लगे हुए हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक मूर्तियां बनाने के काम में तेजी लेने के लिए कारोगारों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा, जनवरी 2024 में मंदिर के निचले तल पर गर्भगृह में रामलला के दर्शन शुरू होंगे। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारी विशेष योजना तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि विशेषज्ञ मूर्तिकारों की टीमें रामलला की मूर्ति तैयार कर रही है। मंदिर के निचले तल का निर्माण अक्टूबर 2023 तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर मार्बल फ्लोर का निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मंदिर में प्रकाश व्यवस्था, आधुनिक शौचालय, बिजली स्टेशन, मंदिर के प्रचार, यात्री सुविधा केंद्र आदि का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि मार्ग को बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। इसे सीधे राम जन्मभूमि मंदिर से जोड़ा जा रहा है। सड़क पर खूबसूरत डिजाइन वाली गुलाबी पत्थर की टाइलें लगाई गई है। इसके साथ ही मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। सुग्रीव कोटा मंदिर की ओर से जाने वाली इस सड़क पर सुंदर प्रकाश स्तंभ लगाए जा रहे हैं। यह राम मंदिर के दर्शन का मुख्य प्रवेश द्वार है। उत्तर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ के कारण 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून चरम स्तर पर जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड काफी प्रभावित हुए हैं। जब भूस्खलन हो रहा था तो कोई इलाकों में भी अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण दुकानें और कारें बह रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव उत्तरी राज्यों पर तीव्र बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश बाढ़ में फंस गए हैं। भारी बारिश के अलावा तेज हवाओं, भूस्खलन और बाढ़ ने उत्तरी राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में 17 लोगों की मौत हुई।
यूपी, पंजाब और राजस्थान में 5 मौतें दर्ज की गई। खासकर पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में कुंभ वृष्टि हो रही है। लोकप्रिय पर्यटन स्थल मनाली में बढ़ती बाढ़ में दुकानें और कारें बह गई। ब्यास नदी के उफान पर होने के कारण एक अन्य पर्यटक स्थल कुल्लू भी संकट में है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 14 बड़े पैमाने पर भूस्खलन दर्ज किए गए हैं, जबकि 13 क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ गई है। राज्य में 700 जगहों पर सड़कें बंद हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर में बारिश कम हुई है, अमरनाथ यात्रा जारी रखने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी है। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उत्तर में भारी बारिश के कारण कई पुल नष्ट हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी उफान पर है, राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। उत्तरी राज्यों में भारी बारिश हो रही है, लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर है। परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी में बाढ़ के कारण कई पुल नष्ट हो गए और एक पुल बह गया। इससे जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नदी पार करने के लिए बना लोहे का एक बड़ा पुल ढह गया और बाढ़ के पानी में बह गया। उधर विकासनगर के पास हिमाचल प्रदेश रोडवेज की एक बस बाढ़ में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से यात्री सुरक्षित बच निकले। बाढ़ नहर में फंस गई बस के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण सभी सड़कें जलमग्न हो गई है। निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। ब्यास नदी के तट बाढ़ से नष्ट हो गए हैं और नदी के किनारे बने कई घर बह गए हैं। मनाली में अचानक आई बाढ़ के कारण कई दुकानें और वाहन बह गए। कुल्लू, किन्नौर और चंबा क्षेत्र के खेत जलमग्न हो गए। कुल्लू में बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। इससे वाहनों का आवागमन बंद हो गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सभी 765 सड़कें ठप हो गई है। सरकार ने बारिश और बाढ़ के कारण राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए उच्च पेंशन आवेदन के लिए केवल एक दिन और बचा है। अंतिम समय सीमा, जिसे पहले ही 3 बार बढ़ाया जा चुका है, 11 जुलाई को समाप्त होगी। अधिकारियों ने बताया कि देश भर में अब तक 18 लाख लोगों ने ऊंची पेंशन के लिए आवेदन किया है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें इन 2 दिनों के भीतर आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। ईपीएफओ उन कर्मचारियों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रहा है जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवा में शामिल हुए हैं और अधिकतम वेतन सीमा से अधिक वेतन ले रहे हैं और उस सीमा तक योगदान का भुगतान कर रहे हैं। इस बीच उच्च पेंशन की समय सीमा 26 जून को समाप्त होने वाली है। हालांकि ऑनलाइन तकनीकी दिक्कतों के चलते उन्हें 11 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। इससे पहले अंतिम समय सीमा 30 मार्च से 30 मई तक और फिर 26 जून तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि विभिन्न नियमों पर स्पष्टता की कमी और ईपीएफओ स्पष्टीकरण में देरी के कारण अधिकांश कर्मचारियों ने अभी तक कर्मचारी पेंशन योजना से उच्च पेंशन के लिए अपने आवेदन जमा नहीं किए हैं। जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ और ईपीएस के सदस्य हैं, वे उच्च पेंशन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था और ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया था, वे भी पात्र हैं। उच्च पेंशन के लिए आवेदकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पेंशन भोगियों के संबंध में पेंशन भुगतान आदेश, वेतन सीमा से अधिक ईपीएफ खाते में भुगतान का प्रमाण दिखाना होगा। उस्मानिया जनरल अस्पताल ओजीएच की नई इमारत की मांग जोर पकड़ रही है, क्योंकि हैदराबाद की सदियों पुरानी संरचना गंभीर स्थिति का सामना कर रही है। मरीज, डॉक्टर और कर्मचारी इस ऐतिहासिक संरचना की बिगड़ती स्थिति से काफी चिंतित है। उनकी चिंताएं छत के टुकड़े धीरे धीरे गिरने से लेकर उनके पैरों के नीचे ढहती सीढ़ियों तक साफ देखी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में किए गए वादों के बावजूद नए भवन का निर्माण अधूरा है। एक ट्विटर हैंडल जस्टिस फॉर ओजीएच समूह, जिसमें डॉक्टर, मेडिकल छात्र, नर्स, पैरामेडिक्स और ओजीएच के कर्मचारी शामिल हैं, एक नई सुविधा के तत्काल आवश्यकता के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं। हालांकि 2015 में उस ऐतिहासिक भवन की गंभीर स्थिति को तेलंगाना के मुख्यमंत्री
केसिया ने स्वीकार किया था जब उन्होंने इसकी स्थिति का आंकलन करने के लिए ओजीएच का दौरा किया था, लेकिन उसके बाद अब तक नए भवन के निर्माण के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। जुलाई 2020 में पुराने उस्मानिया जनरल अस्पताल भवन को खाली कर दिया गया है और मरीजों को अस्पताल परिसर के भीतर दो अन्य भवनों में स्थानांतरित कर दिया गया। देखा जाए तो इसके परिणाम स्वरूप अस्पताल परिसर में भीड़ भाड़ काफी बढ़ गई है, जिससे मरीजों के सामने आने वाली चुनौतियां और बढ़ गई हैं। पर्याप्त बिस्तरों की कमी के कारण कई लोगों को फर्श पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मरीजों, डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के सामने आने वाले चुनौतियों के कारण एक नई इमारत की आवश्यकता और अधिक जरूरी हो गई है। उस्मानिया जनरल अस्पताल का निर्माण 1925 में हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के शासनकाल के दौरान किया गया था। इस अस्पताल का डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार विंसेंट एश द्वारा किया गया था। दूसरी ओर उस्मानिया अस्पताल के निर्माण को लेकर सरकार और राज्यपाल तमिलिसाई के बीच जुबानी जंग काफी दिनों से चल रही है। इसी क्रम में राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने हाल ही में उस्मानिया अस्पताल का दौरा किया। राज्यपाल तमिलिसाई, जिन्होंने पहले ट्विटर पर कहा था कि उस्मानिया की नई इमारत का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ने अब सीधे उस्मानिया अस्पताल का दौरा किया है। इसी मौके पर राज्यपाल ने भवन के निर्माण समेत अन्य जानकारी ली और ऊपर अधिकारियों ने राज्यपाल का भवन की स्थिति के बारे में बताया। बाद में अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात करी और उनसे बात करी। उन्होंने सुविधाओं और चिकित्सा उपचार के बारे में जानकारी ली। उस्मानिया की नई इमारत के निर्माण को लेकर पहले से ही राज्यपाल बनाम सरकार का मुद्दा चल रहा है। नए उस्मानिया भवन के निर्माण की मांग पत्रों के साथ एक पत्र आंदोलन चल रहा है। सीएमओ के पत्ते पर 400 पत्र पोस्ट किए गए, अन्य 400 पत्र मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के पत्ते पर पोस्ट किए गए। देखना अब यह है कि इस सब के बीच नए अस्पताल भवन का काम शुरू होता है और कब इन मरीजों के साथ ही डॉक्टर्स, कर्मचारी आदि की परेशानियां खत्म होती है। तेलंगाना में मॉनसून के आगमन में देरी का हैदराबाद और राज्य के अन्य जिलों में टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यहां तक कि सरकार द्वारा स्थापित रैतु बाजार, जिसका उद्देश्य जनता को बढ़ती कीमतों से राहत प्रदान करना है, वे भी स्थिति पर अंकुश लगाने में असमर्थ रहे हैं। विशेष चिंता का विषय टमाटर की अत्यधिक कीमतें हैं, जो हैदराबाद और कई जिलों में आश्चर्यजनक रूप से 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हाल ही में खुदरा बाजार में टमाटर 80 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था, लेकिन अचानक 20 रुपये की तेज बढ़ोतरी देखी गई। आमतौर पर टमाटर की कीमत 20 रुपये से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच होती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कीमतें लगातार बढ़ रही है। पिछले सप्ताह टमाटर 50 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था। टमाटर की कीमतों में इस अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय स्थानीय खेती में कमी के साथ साथ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के प्रतिकूल प्रभावों को दिया जाता है, जिससे सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ है। इसके अलावा भीषण गर्मी के कारण सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है। हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों में मांग को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर और मदनापल्ली जैसे क्षेत्रों के साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के औरंगाबाद से टमाटर का परिवहन किया जा रहा है। खुदरा बाजार में हरी मिर्च की कीमत भी आसमान छू रही है और 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। अन्य सब्जियां जैसे भिंडी, विभिन्न फलियों और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कीमत अब 60 रुपये से 80 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। इसके अतिरिक्त
हरे मसालों और पत्तेदार सलाद की कीमतों में भी समान वृद्धि देखी गई है। सब्जियों की बढ़ती कीमतें जनता खासकर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत उनके दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, क्योंकि वे इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे का तुरंत समाधान करना चाहिए और सभी के लिए सस्ती और पौष्टिक उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सब्जियों की कीमतों को स्थिर करने के उपाय करने चाहिए।